मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस का ख़तरा बढ़ता ही जा रहा है और लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी जा रही है ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। लोगों से पुलिस बार बार सड़कों पर घूम घूम कर कह रही है कि वो अपने घरों में ही रहें, और ये भी आह्वान किया जा रहा है कि धार्मिक स्थलों पर भी भीड़ ना करें। मुमरा में अमन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से आह्वान किया है कि हो सके तो वो अपने घरों में ही नमाज भी अदा करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मुफ्ती अशरफ, मौलाना जहीर कासमी, मौलाना मुहियुद्दीन कासमी, हफीज़ निज़ामुद्दीन इकबाल, काजी नशीर चोरगी, नोमान चोरगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या जानकारी दी है और लोगों से क्या आह्वान किया है, सुनिए। मुफ्ती साहब, जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, ये किस वजह से, क्या मकसद है? सर, आज ये हमारे सारे उलमाए कराम और ज़िम्मेदारान आज इसलिए जमा हुए हैं कि जो वबा जो फैली कोरोना वायरस, अगर हमने इसको काबू नहीं किया तो अभी तक हज़ारों के हज़ार लोग मौत की दहलीज पर जा चुके हैं। अगर हमने काबू नहीं किया तो उसकी तादाद लाखों तक पहुंचेगी। तो जैसा कि हमारे मुल्क के बड़े बड़े उलमाए कराम और बड़े बड़े मदारिस ने ये लोगों से अपील की है, और हम भी लोगों से ये अपील करते हैं कि मस्जिदें इंशाल्लाह हमारी आबाद रहेंगी, जितना मुमकिन हो सके आप नमाज अपने घर के अंदर अदा करें, और किसी ऐसे भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से आप परहेज़ करें और मास्क लगाएं। और जैसे हमारी सरकार, हमारे अफसरान और हमारे लोग कह रहे हैं, हम उनको फॉलो करें, उनकी पैरवी करें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे ये मर्स ये वायरस और फैलें। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला दरार वाला दिरार, ना नुकसान पहुंचाओ ना नुकसान उठाओ। और हदीस में आता है कि जब ताउन जब फैला तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तुखरुजू मिन्हा, अपने घरों से, अपने इलाकों से, शहर से मत निकलो, और अगर तुम बाहर हो तो उसमें दाखिल मत हो इसके अंदर। तो हम लोग तमाम उलमा कराम लोगों से ये अपील करते हैं कि जितना मुमकिन हो सके, मैं जानता हूँ कि इससे आपको बहुत तकलीफ़ होगी, आपके एहसासात हैं, लेकिन तमाम उलमा कराम मदारिस ने यह फ़ैसला लिया है कि जितना मुमकिन हो सके आप नमाज अपने घर के अंदर अदा करें, और इंशाल्लाह मस्जिद हमारी आबाद रहेगी। जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, इमाम साहब ख़ादिम हज़रात हैं और दारुल देवबंद ने अपील की है, बड़े बड़े उलमाए कराम ने अपील की है, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब और रज़ा एकेडमी वालों ने, हम भी लोगों से ये अपील करते हैं कि नमाज अपने घर के अंदर अदा करें। मैं, आपने जो सवाल किया है, जो बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, उसके बारे में आवाम से ये बात कहूँगा कि जो इलाके के अंदर बड़े लोग हैं, समझदार किस्म के लोग हैं, वो नौजवानों को कंट्रोल करें कि नौजवान जो है अपने घरों में रहें, तालीम है उनकी बाकी, तो वो ये भी बात काजी साहब सामने आ रही है, जो बेवजह निकल रहे हैं इनकी वजह से उन लोगों को भी तकलीफ हो रही है जो मेडिकल के लिए जा रहे हैं या कुछ घर के और अन्य सामान के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनको भी इनकी वजह से तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बेवजह निकलने वालों को बेवजह निकलना नहीं चाहिए, इसलिए कि कानूनी जुर्म भी है ये कि आज कर्फ्यू और 144 जो लगा दिया गया है, सन्मान्य मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, अजीत दादा पवार और हमारे एमएलए जितेंद्र आवाड, इन्होंने भी लोगों से दरख्वास्त की और अपील की है, और मुस्तकिल तमाम चैनल्स भी इसकी अपील कर रहे हैं कि आप लोग बिला वजह रास्तों पर ना घूमें, ये तफरी का मौका नहीं है, ये मौका जो है अपने अपने घरों में बैठ कर अपनी सेहत के ख्याल रखने का है और अल्लाह से आवाजारी करके, इबादत करके, दुआएँ मांगने का है कि अल्लाह ताला पूरे आलम में इस वबा से तमाम इंसानियत को, पूरे उम्मत मोहम्मदिया को जो है वो हिफाजत फरमाए, खुसूसियत के साथ मुसलमानों की भी हिफाजत हो और हम ईमान वालों को इसके अंदर पूरी तरह से अल्लाह की तरफ रुजू होके तौबा इस्तगफार करने में लगना चाहिए, ना कि रास्तों पे भीड़ भाड़ लगा के, ना तो मस्जिद के बाहर भीड़ भाड़ लगाएं। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि हम लोग अपनी नमाजें जो है वो घरों में पढ़ें, हम मस्जिदों की तरफ रुख ना करें, मस्जिदों में तो सिर्फ जैसे हुकूमत ने अपील की है कि इमाम और मौज़िन के साथ चल लोग मस्जिद में नमाज अदा करें, अजान हो फौरन नमाज हो अपने अपने घरों पे, वो चल लोग भी चले जाएं और ना भीड़ भाड़ हो ना कुछ हो और जुमा भी मुख्तसर हो, इसलिए कि हम लोग जो इस वक्त तमाम चीज़ों को भुलाकर इस मुल्क के बचाने की और मुल्क के, हमारे
तमाम अहले वतन को बचाने के लिए तमाम तदबीरें करेंगे और इसके लिए हम आगे आएंगे। और हम यही अपील करते हैं कि हम मस्जिदों में भी रश नहीं करेंगे और किसी किस्म का कोई मामला न करेंगे और आफियत के साथ हम तुम्हारे अमल को हम पूरा करेंगे और उलमाए कराम की तमाम अपील को हम सर आंखों पर रख के मानेंगे, हुकूमत की अपील को भी हम मानेंगे, इसलिए कि ये हमारे ईमान का जुज है। जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कानून का एहतराम करो। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए बचना और भीड़ भाड़ करने से अपने आप को बचाना, इसमें हमारे शहर का, हमारे मुल्क का और हर एक का फ़ायदा है। और अल्लाह के नबी की और सहाबा की भी यही तालीम है। हज़रत उमर एक बार मुल्क शाम के सफ़र पर थे, चंद सहाबा आपके साथ थे, पता चला कि वहाँ जिस शहर में जाने वाले हैं वहाँ वबा फैली हुई है, तो शहर के बाहर मशवरा किया गया कि क्या किया जाए। कुछ सहाबा की राय आई कि शहर में दाखिल होना चाहिए, कुछ ने कहा कि नहीं दाखिल होना चाहिए। आखिर में तय यही हुआ कि हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, हम वापस जाएंगे, शहर में दाखिल नहीं होंगे। तो ये इस्लाम की, अल्लाह के नबी की, सहाबा की भी तालीम है, इसलिए हम सब को अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपने आप को बचाना है, अपने शहर को बचाना है और इंतज़ामिया महकमे सेहत जो कुछ कर रही है हमें उसका तआवुन करना। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।